अभी हमारे बेसिकली गोल गोल घुमाना है, सबसे पहले आगे वाले दांतों में, फिर राइट, फिर ऐसे पेन की तरह क्लिक कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। बच्चों के लिए ये सबसे अच्छी है, ऐसे पकड़ेंगे आपको, आप अच्छे से पकड़ सकते हैं। ऐसे आपने ब्रश को पकड़ना है, माँ बाप ने भी ब्रश को ऐसे पकड़ना है। काम है आपको को 3 साल तक माँ बाप ने अपने हाथों से ब्रश कराना है, क्योंकि वो बच्चा ब्रश कर नहीं सकता, इतना वो सीखा हुआ नहीं होता। 3 साल के बाद जो है के लिए हम मना रहे हैं ओरलैंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स डे। ये नेशनल लेवल पे और वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का मकसद ये होता है जी कि स्पेशलिटी है डेंटिस्ट्री के बाद, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जैसे पीजी करने के बाद हायर क्वालिफिकेशन है, उसमें ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल, ओरल हो गया मुँह की और मैक्सिलोफेशियल मैक्सिला, अपर जो ऊपर वाला जबड़ा उसको मैक्सिला बोलते हैं, लोअर वाले को मैंडिबल। फेशियल मतलब मुँह में और फेस की कोई भी बीमारी है उसके रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होता है ये उनका दिन होता है। ओरल कैंसर बेसिकली पूरी दुनिया में देखा जाए तो ये एक्सक्लूसिवली इंडिया की प्रॉब्लम है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है जो च्यूइंग एबल टोबैको जैसा होता है उसका। अब किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे वहाँ वर्ल्ड वाइड तो मेल्स में होता है लंग कैंसर सबसे कॉमन, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन मुंह का कैंसर होता है। वो एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड होता है जो टोबैको, च्यूइंग टोबैको, स्मोकिंग, स्मोक करने और साथ में अगर अल्कोहल लिया जाए तो उसमें। यहाँ पे भी वही राइज है स्पेशली, और सबसे ज़्यादा डेंजरस ये है पॉइंट है कि यंग लोगों में ज़्यादा हो रहा है। अभी जो रिसेंटली हमें 3-4 पेशेंट यहाँ, हम तो ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, वो हायर सेंटर पे होता है, लेकिन यहाँ पे हमने डायग्नोज किया है और इसमें अर्ली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। और लकली हमारे लोकेलिटी के पेशेंट थे उनका अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो अभी रिसेंटली उनका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो, हम फैसिलिटेट करते हैं ट्रीटमेंट करने में।